हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मास्टर लेवल। दोस्तों, मास्टर लेवल रियल स्लो वैल्यू कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, मास्टर लेवल से रियल स्लो वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज का टारगेट है 200 लाइक। दोस्तों, और हमारा इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारा इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मास्टर लेवल से रियल स्लो वैल्यू कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, रियल स्लोप वैल्यू तो दोस्तों, एक मास्टर लेवल में बना रहा हूं ड्राइंग। ये हो गया दोस्तों मास्टर लेवल। और एक शाफ्ट बना रहे हैं दोस्तों, कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हैं आप, शाफ्ट लीजिए चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो। दोस्तों, मैं इसका यहाँ पे मास्टर लेवल में कर रहा हूँ, इस शाफ्ट के ऊपर मैं मास्टर लेवल कर रहा हूँ। और दोस्तों, मास्टर लेवल में स्केल वैल्यू लिखा रहता है दोस्तों, जो कि मास्टर लेवल के ऊपर में स्केल रीडिंग लिखा रहता है। यहाँ पे एक स्केल रीडिंग रहेगा, जैसे कि वो लिखा रहता है 0.02 mm। तो स्केल वैल्यू हो गया दोस्तों, उसको स्केल वैल्यू बोलते हैं। तो दोस्तों, हम इस शाफ्ट का हमको स्लोप निकालना है, मतलब रियल स्लोप वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए, एक हमारे पास फार्मूला है, जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि फार्मूला जैसे कि स्केल वैल्यू स्केल वैल्यू इंटू लेंथ इंटू रीडिंग। दोस्तों, ये जो हमारा मास्टर लेवल है, मास्टर लेवल में कोई भी अंक, मतलब मान चलिए जैसे हम मास्टर लेवल कर रहे हैं, तो मास्टर लेवल में हमारा कोई भी अंक आ सकता है। एक डिवीजन भी आ सकता है, दो डिवीजन भी आ सकता है, तीन डिवीजन भी आ सकता है, या चार डिवीजन भी आ सकता है दोस्तों, जो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। तो मान चलिए हमारा दो डिवीजन में लेता हूँ, दो डिवीजन ले रहे हैं, तो हमारा जो रीडिंग है, जो इसका रीडिंग आ रहा है, इसका दो डिवीजन, दोस्तों, तो हम ये दो डिवीजन हो गया। और ये जो हमारा रीडिंग है, स्केल वैल्यू है, स्केल वैल्यू जो रीडिंग है, जैसे कि 0.02 स्केल वैल्यू इनटू लेंथ। तो ये जो शाफ्ट है दोस्तों, चाहे जो भी इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट का हम लेंथ चेक करेंगे। इसका लेंथ है
200 जो भी है, मैं 200 ले रहा हूँ दोस्तों, ये 200 है। तो 0.02 इंटू लेंथ हमारा 200 है, 200 इंटू हमारा रीडिंग जो आ रहा है मास्टर लेवल का, वो रीडिंग आ रहा है इंटू 2 डिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो 2 डिवीजन हो गया। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 0.08 mm पर मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी 1 मीटर में 0.08 mm उसका स्लोप वैल्यू होगा दोस्तों। तो इसका स्लोप वैल्यू आएगा 0.08 mm। तो हमारा जो आंसर है ये 1 मीटर में 0.08 mm होगा दोस्तों। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप लिख के हमको बोल सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों। और मैं अगला वीडियो अलाइनमेंट रिलेटेड और ऐसे ऐसे वीडियो मैं बहुत सारे लाते रहेंगे आपके लिए, और इंटरव्यू रिलेटेड भी क्वेश्चन और आंसर भी लाएंगे दोस्तों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू दोस्तों।